हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज की शेयरिंग जो है, आज की वीडियो जो है, मिंट के ऊपर है, पुदीने के ऊपर, कि कैसे हम इसको घर में लगाएं। देखिए, गर्मियां शुरू हो चुकी हैं तो इस टाइम जो है मिंट सबसे ज़्यादा जो है कंजम्पशन होती है घरों के अंदर। तो आप इसको घर में आराम से लगा सकते हैं और बहुत ही घर का बहुत ही हेल्दी ऑर्गेनिक मिंट जो आप ले सकते हैं और बहुत ईजी है इसको लगाना। यही सब आज की वीडियो में मैं बताऊँगी कि कैसे इसको लगाया जाए और क्या इसकी कैसे हार्वेस्ट करने के बाद कैसे नई ग्रोथ ली जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये पुदीना बहुत ज़्यादा हो गया है अभी, ये देखिए, और आज मैं इसको हार्वेस्ट करने वाली हूँ। तो इससे पहले मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए। दो इसमें लगा हुआ है और ये मैंने अभी 10 दिन पहले लगाया है। ये देखिए, ये भी कितना ज़्यादा हो गया है और एक ये लगा हुआ है, 4 गमलों में लगा हुआ है। और बैक टू बैक जो है मुझे पुदीने का जो हार्वेस्ट मिल होता रहता है, करती रहती हूँ मैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसकी पॉटिंग मिक्स की बात करें तो इसको बहुत ही सॉफ्ट सा पॉटिंग मिक्स दें आप। अगर आपके यहाँ मिट्टी चिकनी है तो उसके अंदर आप सैंड और कोकोपीट ज़रूर मिलाएं। जितना ही सॉफ्ट जो है इसका पॉटिंग मिक्स होगा, सॉयल होगी, उतना ही अच्छा है जो ये ग्रोथ करेगा, है ना। और एक बार आप लगा देंगे तो आपके जो टेरेस गार्डन या जहाँ भी लगाए हैं, हर सीज़न आप उसके अंदर से ले लेंगे, आपको बार बार नया लगाने की ज़रूरत नहीं है। और एक से ही, मेरे इसमें एक में ही लगा हुआ था, अब ये 4 में लगा हुआ है ना। तो एक सीज़न में अगर एक सीज़न में लगा देंगे तो हर साल आप इससे जो है मिंट ले सकते हैं। इसका क्या होता है कि पॉटिंग मिक्स मैंने बता ही दिया आपको, इसको बहुत तेज़ सनलाइट में नहीं रखना, आपको 1-2 घंटे की धूप मिल जाए ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको पार्शियल उसमें रखें जहाँ थोड़ा पेड़ों की छाया हो या हल्का जो है इसको धूप कम मिले। बहुत तेज़ धूप में जो है ये थोड़ा सा जल जाता है। अच्छा, दूसरा बात क्या है, इसकी मिट्टी जो हमेशा मॉइस्ट रखें, हल्की सी मॉइस्चर को होल्ड करने वाली मिट्टी बनेगी तभी ये ग्रोथ करेगा, अदरवाइज़ ये क्या सूखना शुरू हो जाता है। अगर मिट्टी हार्श होगी, कड़क सी होगी तो इसकी ग्रोथ जो है होती ही नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़ इसकी जो है प्रपोगेशन मैंने आपको बताई दी कि जैसे देखिए ये है, थोड़ी सी अगर ये जड़ भी मिल जाती है आपको तो भी ये बहुत फैलता है। इसकी क्या, जैसे मनी प्लांट हमारे फैलता है, ऐसे ही जो है ये यहीं से बर्ड से जो है साइड की बर्ड से ये अपने आप फैलता चला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी इसका स्पेशल एक ट्रिप एंड ट्रिक क्या है, टिप इसकी, जिससे ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा करेंगे, जितना आप इसको प्रून करेंगे उतना ही ज़्यादा ये बढ़ेगा। जैसे अभी मेरा ये बहुत हो रहा है, अभी मैं इसको प्रून कर दूँगी, मतलब हार्वेस्ट कर लूँगी इसको और कंजप्शन के लिए। और उसके बाद मैं इसके अंदर क्या करूँगी, सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे ही आप इसके अंदर से ये सब कट कर लेते हैं, इसके अंदर एक मुट्ठी कोई भी कंपोस्ट, चाहे किचन कंपोस्ट हो या आपकी काउडंग कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, कोई भी कंपोस्ट हो, वो आप इसके अंदर एक मुट्ठी डाल के और पानी डाल दें, आप देखेंगे 4 से 5 दिन के अंदर इतना ही जो है पुदीना फिर से मिल जाएगा आपको। और तो आप ये जो ट्रिक अगर आपके लगा हुआ पुदीना तो आप ये ज़रूर करके देखें, तो आप देखेंगे कि बहुत पुदीने की जो है ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और बहुत अच्छी होती है। हार्वेस्ट करने के बाद भी बताऊंगी कि कितना ज़्यादा जो है इसके अंदर से मुझे पुदीना मिला है, ठीक है। अच्छा, डिजीज़ इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप जो है इसको कंज्यूम कर सकते हैं। बट वही फिर भी प्रिकॉशनरी मैं हमेशा रखती हूँ कि लिक्विड सोप और आपका नीम का जो है ऑयल का कॉम्बिनेशन बना के, एक लिक्विड बना के इसमें 15-20 दिन में एक बार स्प्रे करती हूँ। जो और प्लांट के साथ करती हूँ तो इसको भी कर देती हूँ, बाकी ऐसा इसमें कुछ नहीं है। बहुत ही इजी टू मेंटेन और बहुत ही इजी लगाने वाला रहने वाला प्लांट है, एक बार लगाने के बाद सालों साल ये आपके गार्डन से जाएगा ही नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतने ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें। ओके देन, टेक केयर, बाय बाय।